पत्थरों का। ब्लेंडर, सॉरी गाइस, ट्रिप पे 4K व्लॉग्स नहीं आ रहे बिकॉज 4K व्लॉग्स अपलोड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टुडे होपफुली फिंगर्स क्रॉस वी शुड बी लीविंग द होटल एंड गोइंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन। नहीं, उसके लिए हमको अपनी रिपोर्ट्स का वेट करना पड़ेगा। कल हम COVID-19 का टेस्ट दिए थे बिकॉज अगर आपको यहाँ से आगे कहीं पर भी जाना है, पंजाब जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, हिमाचल प्रदेश जाना है, उत्तराखंड जाना है, आपको COVID-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो हमने कल कराया, जैसे रिपोर्ट आएगा विल स्टार्ट पैकिंग। और अभी शोभित, रिशान, अब्दुल भाई और जुनेद भाई गए हैं कहीं तो बाहर खाना खाने के लिए, मुझे और शायद को एडिट करना था, हम लोग गए नहीं। तो बेसिकली रिशान और अब्दुल भाई को जाने थे अलग अलग दरगाह। मैंने शोभित को कहा तू खाने चले जा, लेकिन फिर वो खुद की बाइक लेके जा, वो अलग दरगाह जाएंगे, तू बाहर खड़ा रहेगा। तो वही हुआ, ये बाहर खड़ा था धूप में, हालत खराब हो गई, खड़ा नहीं, बात ही नहीं, खुला ही नहीं था कुछ। और सुबह सुबह कांड हो गया था वाइल एडिटिंग, शानिस का लैपटॉप का डिस्प्ले उड़ गया। कोई टेंशन नहीं, अपना वारंटी में नया डिस्प्ले आ जाएगा, लेकिन अभी जब फाइल इसके अंदर है और बाकी सब डिलीटेड है तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, आइडिया लगाया मैंने, HDMI केबल बोला शोभित लेके आया, और अभी देखो शानिस का लैपटॉप का डिस्प्ले जो है टीवी पे आ रहा है। फिलहाल शानिस मेरे लैपटॉप एडिट कर रही है। जुनेद भाई ने शाम तुम्हें बोला अर्जेंटली रूम में आओ। मुझे लग रहा है आज का प्लान पूरा ठप होने वाला है बिकॉज हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई है। दिशान अब्दुल भाई उन लोग नीचे गए हैं रैम मॉड इंस्टॉल करने के लिए। शोभित देखो क्या पोजीशन में सो गया। इससे ज़्यादा बेकार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया है। मतलब हद होती है यार, 7 बजे बोला रिपोर्ट आएगी, अभी यार 9 बज गए, रिपोर्ट नहीं आई यार। मतलब वो पता है वो मीम आया था वो बच्चे लोगों का, ये ही सब होना था। तो गाइस रिपोर्ट जो आ चुकी है, सब लोग की रिपोर्ट आई सिवाय एक के, और वो हूँ मैं। सब लोग रिपोर्ट में नॉट डिटेक्टेड, देयर ऑल नेगेटिव, मेरा इनवैलिड आया। इनवैलिड आया मतलब बोलता है या तो फिर से सैंपल लेना पड़ेगा तो कल तक रिपोर्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी आ गया अंदर। सच में? तो पहले से प्लानिंग कर रहा है। और अभी सीन ये है कि हम लोगों ने उन लोगों को बताया नहीं कि रिपोर्ट आई है, तभी जैसा इन दोनों ने मुझको बनाया, चाबी ली ना, हाँ इधर दे, अभी हम उन लोगों को जाके बनाएंगे। नया प्लान ये है कि हम बोलेंगे जुनैद की रिपोर्ट नहीं आई है ना, जुनैद की अब्दुल भाई। ही विल अगेन कम without any charges, he will repeat the test because it came. तो उसकी तरफ से इश्यू है ना? हाँ, लेकिन but it will take. वो बोलता डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी अभी सवाल, अभी अपना कंफ्यूजन ये है कि अभी इधर और 3 दिन रुके, फिर आपके निकले। अब तो इस बार कपड़े पहने हैं ना? मैं तो बोलता चंडीगढ़ जल्दी, चंडीगढ़ रुकते। नाम बताओ भाई। अरे भाई नेगेटिव है भाई। अरे भाई देखने को तो अभी मेरे को कभी लगा नहीं था, अपना रिपोर्ट देख के ना बड़ी खुशी हो रही है ना। सॉरी सॉरी कि नॉट डिटेक्टेड एब्सेंस ऑफ बी कोविड। तो मेरे को तो पहले भी आया था कोरोना वायरस से, देख मेरे को तो पहले भी आया था, मैंने पहले टेस्ट कराया था, याद है कि नहीं? मैंने मार्च में टेस्ट कराया था। सब लोग हम लोग जो इतना घूमे फिरे, थैंक्स टू गॉड, सब सेफ, थैंक यू भगवान, हम लोग सावधानी बरतते हैं तो आई कैन, अल्लाह का शुक्र है। जुनैद भाई सरप्राइज जब झटके से आता रहा था। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अरे भाई 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 भाई, मजाक कर रहा था, इनवैलिड है, मजाक कर रहा था, इनवैलिड है, सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रहा था। इसका इनवैलिड नहीं है, इनका भी नेगेटिव, सबका है बहुत नेगेटिव। अब्दुल भाई तुम्हें लेटू, चलो लेटू, चलो सब कुछ पैक हो गया। अभी छोटी सी प्रॉब्लम जो हमको आने वाली वो है कि राइट नाउ इट्स 12:15, मतलब बाय द वे हम वी लीव द होटल इज गोना बी 1, काफ़ी लेट निकलेंगे। और अभी ये समझ भी नहीं आ रहा कि शिमला जाएगी मनाली जाए, बिकॉज मनाली जाएंगे तो हम लोग को 12-13 घंटा लग जाएंगे। शिमला नज़दीक है, शिमला सुबह के 6 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक पहुँच सकते हैं, और जाने के बाद सीधा सो सकते हैं या फिर उसके पहले कहीं रुक जाए। अभी तक हम लोग को ई पास जो है आया नहीं, हमने अप्लाई कर दिया, जल्दी आ जाता है तो बाय द टाइम विल रीच द बॉर्डर ई पास आ जाएगा, नहीं आया तो उसके पहले रुकना पड़ेगा। एक काम और करना है कि हमको जो COVID-19 का रिपोर्ट है उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं बैठे रहे, कभी पूछा उन लोगों ने, मैंने सुना है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रिंट आउट निकाल के दो। अभी तक हमारा ई पास नहीं आया तो शायद हमको बॉर्डर में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो बहुत जल्दी आ जाता है तो ज़्यादा वर्स्ट वर्स क्या करेंगे हम लोग, वहीं पर कहीं होटल ले लेंगे अगर नहीं आया तो। वैसे तो कल सुबह तक तो आ ही जाएगा, बाय द टाइम विल रीच वो कल सुबह हो ही जाएगी।
और नहीं भी आएगा तो देयर इज आल्सो अ वे कि वहां पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। हां वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ वी हैव अ नेगेटिव रिपोर्ट टेस्ट का, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। शैनिस तो आज तू चलाने वाली पीछे बैठने वाला राइट? या कंफर्टेबली चलाएगी, गिराएगी नहीं मुझको? नहीं देखो क्या बहुत नींद आ रही है, अभी 12:30 बज गए हैं, तो प्लीज संभल के चलाना, पीछे टेका लेके सो जाऊंगा मैं। ऑलराइट तो क्या करेगी? चालू कर भाई, ऐसा कर उंगली का जिसमें चाबी नहीं है, चाबी जैकेट में। ओ जैकेट इधर है, जैकेट इधर है। तो हम लोग इधर टॉरस सरोवर पोर्टिको में रह रहे थे। अंदर गए तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत होटल है, मतलब जो बाइक से आ रहे हो, गाड़ी से जो भी आ रहे हो, डेले के थोड़ा पहले रुक जाओ, बाइक की अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, सेफ एंड साउंड। सबसे पहले तो भाई फ्यूल भराने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीशान को कोई भी सवाल पूछता है ना तो ऐसे बात करते कि CBI पूछ रही है। भाई सब लोग फुल करो, सुनो सब लोग फुल करो, यहाँ से फिर जीरो करो। चाइनीज ये देख, ये रेड एंड ब्लू, यहाँ पर अपन ने K2K के लिए अपने को ट्रैम टाइगर मिली थी यहाँ पर। बाय द वे ये यहीं पर टाइगर का वो है ऑफिस है, मेन ऑफिस। क्या डर रहा था ना मैं, टाइगर फर्स्ट टाइम मैं टाइगर चला रहा था, वो भी डबल सीट। अभी हम लोग को एक बहुत खतरनाक वाला यू टर्न लेना है, रॉन्ग वे जा नहीं सकते क्योंकि हालांकि थोड़ा ही पीछे जाते तो हो जाता, लेकिन क्या है पुल्स खड़ी है जी, पुल्स रॉन्ग वे चले गए तो पुल्स धर लेगी। हाँ हाँ, व्हाट अ परफेक्ट वेदर इन दिल्ली, 26-27 डिग्रीज, बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब बाइक लेके बाहर निकले थे तो थोड़ा ऑब्वियसली वजन था, जस्ट गर्मी से निकले थे। ये हाईवे पे जब भी आता हूँ मेरा कुछ ना कुछ ऐसा चाय कॉफ़ी पीने का या कुछ खाने का मन करता है यार, क्योंकि हाईवे पे बहुत अच्छे अच्छे ढाबे हैं। क्या हो गया? चलो भाई यहाँ पर देखो यार, ये टो कर रहे हैं, हम बाइकर आराम से निकल सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं यार, तो वही बोल रहे हैं हमें जाने दो यार। थैंक यू भाई। क्या है क्या इसमें, क्या देखते देखते हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा जो है डिस्टेंस वो कवर भी कर दिया है। राइट नाउ 3:30, सबको चाय पीने का मूड है, हमारा भी चाय पीने का मूड है, और मैंने और शोभित ने कुत्ते रोड मत क्रॉस करना नहीं क्रॉस किया, मैंने और शोभित ने तो डिनर भी नहीं किया, बाकी सब लोगों ने डिनर किया। ये अच्छा लग रहा है ना, ये ना पूछो कि नहीं, ओहो शोभित खड़ा हो गया, क्या बात। हाँ तो भाई हमने 190 किलोमीटर्स कर दिया है। जुशान को चाय पीनी थी और सबको वॉशरूम जानी थी, रुक गए, अच्छा ढाबा दिखा। तो जब होटल से निकले थे तो बता रहा था हम लोग 9:30 बजे पहुंचेंगे, अभी हमने 1 hour 15 minutes तोड़ दिया गूगल मैप का टाइमिंग, अभी बता रहा है 8:15 को पहुंचेंगे, लेकिन बॉर्डर पे शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है अपने को। शैनिस बोल रही है, उसका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि हमको टाइम नहीं लगेगा, मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि हमको एटलीस्ट आधा से घंटा लगेगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो मेरे 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा इसलिए लगेगा, बाजू मोटर ले लेंगे जब तक 9 बजे तक ऑफिस नहीं खुलता। देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जस्ट बॉर्डर के वहाँ पे ट्रैफिक है, तो ये ट्रैफिक या तो चेक हो रहा है या तो इनको रुका के रखा है। भाई तो मैंने पराठा खाने का डिसीजन लिया, इतना जबरदस्त पराठा है बॉस, अगर राइड नहीं करना होता ना भाई मैं तो 2-3 खा ही जाता यार। चाय भी एक नंबर है, वेरी गुड, पूरी रोड पे पराठे बहुत अच्छे मिलते भाई। तो चलो भाई, हाँ आधे घंटे का ब्रेक लिया ना, जो ब्रेक जो था ये बहुत ज़बरदस्त था, बहुत फ्रेश हो गए सब लोग, वैसे भी फ्रेश थे बट स्टिल यू नो और फ्रेश हो गए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, मतलब मान लो कि चंडीगढ़ आ ही गए समझ लो, अपन साइड से अभी न्यू चंडीगढ़ लेके आएगा थोड़ी देर में। मुझे अभी टायर प्रेशर मॉनिटर का वार्निंग आया कि पीछे की हवा जो है निकल रही है 34.1 पे आ गया, इट वॉज 44, तो 10 गिर गई है, मतलब हल्का सा पंचर है और 34.1 पे आ गया, अटक गई है। अब ये कट है, स्क्रू है, मुझे स्क्रू लग रहा है, स्क्रू घुसा है ये। मैं उधर राइट उधर लेके जाता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये टूल किट लिया था, थैंक गॉड, मुझे लगा नहीं था कि पहले ट्रिप में काम आ जाएगा। और इसके अंदर है अपना एयर इन्फ्लेटर, ये ले सकते हो अब ये। अच्छा ये बेटर है, ये बेटर, ये जून वाला बेटर है भाई। तो टू एक बस पक्का, इतना सही है, बताओ कितना शार्प पीस गए थे। तो अभी जुनिद भाई थोड़ा होल को बड़ा कर रहे हैं और बाद में अपन इसको सील करेंगे। जुनिद भाई पंचर बना रहे हैं, वहाँ शोभित अपना पास दिखा रहा है, अब पास को लेकर थोड़ा दिक्कत हो रही है, ऑल दो COVID-19 का नेगेटिव टेस्ट भी दिया, मगर जो होगा बताता हूँ। हवा भर रही है लेकिन यहाँ पर हमारी हवा जो है निकल रही है, बिकॉज सूरज देवता किसी भी समय प्रकट होने वाले हैं। अभी हमारे पास दुविधा ये है कि हमने जो पास है वो रात को अप्लाई किया था, और रात को अप्लाई करना नुकसान ये हुआ कि ऑफिस सुबह खुलता है, तो जो पास है हमको एग्जैक्टली मिला नहीं है, पास का नंबर मिल गया है, तो भाई साहब ने क्या बोला है कि 3 घंटे और रुक जाओ, यहाँ पर खुलेगा, अप्लाई करो, 5 मिनट मिल जाएगा। हम 3 घंटे करेंगे क्या, नींद आएगी, सुसु आएगी, तो जब 5 किलोमीटर पहले एक ढाबा है जाकर आराम करें, लेकिन तब तक यहाँ पर लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि जब आएंगे तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा। तो डिसाइड किया कि यहाँ पर खड़े रहते 3 घंटा, लुफ्त उठाते वेदर का, वेदर बहुत अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस है, सनराइज देखो और बहुत खूबसूरत सनराइज होगा। गलती वही हो गई, हम लोग को पास एक्चुअली कल अप्लाई कर देना चाहिए था, हम कोविड नेगेटिव टेस्ट में इतना उलझे हुए थे कि पास ही अप्लाई नहीं किया, पास फ्री है,
वो कर देते तो काम हो जाता, बट कोई नहीं यार अभी वेट करते और क्या ऑप्शन है। सुना है तेरे को? सुना है तो फर्स्ट से बात करूँगा ये वाली गाड़ी से, भाई पैसे ले लो थोड़ा सुला दो, विल मैनेज बिकॉज मुझे टेंशन क्या है, नहीं सोएगी तो बीमार ना पड़ जाए, बस वही है। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। पक्का ना? तेरे लिए एक्स्ट्रा डे ब्लॉग नहीं डालूंगा मैं, ठीक है? क्यों? अभी मुझे नहीं पता ये कैसे हो, लेकिन सामने से एक भला पुलिस वाला आया, बोला कि आपकी बुकिंग है, आपके कोविड नेगेटिव है, काम करो आप जाओ। इसीलिए अप्लाइड पास ना आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। सबने बाइक वहाँ पार्क कर दी थी, ऊपर टेका देने सोने जा भी रहे थे, लेकिन चमत्कार रोक से मेरे के। I really pray to God and said, मेरे से दो घंटे से ज्यादा नहीं होएगा, प्लीज। तो अभी शोभित जो है वहाँ पर अपना नाम सब लिखवा रहा है, उसके बाद अपन निकल जाएंगे। थैंक गॉड। हाँ आ जाओ वहाँ पर, आ जाओ। ये वायर संभल के फिर 6:30 बजे हमारा हमारा 3 घंटा ठीक है बॉस। और अभी मौसम भी इतना परफेक्ट हो गया है, अब बाइक चलाने में मजा आएगी। ओ क्या बात है, 360 अंदर रखा हुआ ना वो भी निकालता है, देखो पूरा लालम लाल है। मैंने हाई फाइव सही है। दूसरे शिफ्ट वाले आए थे, बड़े अच्छे थे, बोल रहे थे कि आप लेह लद्दाख जा रहे हो, मतलब काश लेह लद्दाख जा रहे होते, पर लेह लद्दाख नहीं जा रहे, लेह लद्दाख जा चुकी है। अभी हमें करना था स्पीति, लेकिन स्पीति जो है वो थोड़ा बंद टाइप सा है तो वो नहीं होगा। ओह भाई साहब, यहाँ तो चलाने में बहुत मज़ा आ रही है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ पर BMW ही चला रहा था, GSA 1200 रैली वाला, बट मैं अकेला था, मेरे पीछे शोभित बैठा हुआ था और इसके पास से हमने बाइक एक्सचेंज कर ली थी। लेकिन क्या मज़ा आ रही है, परफेक्ट व्यू है। और जाने से आगे देख, आगे देख मतलब इसमें कैमरे में देख, सच बोलूँ मुझे ना नींद आने लगी थी, लेकिन आफ्टर राइडिंग ऑन दिस मेरी जो नींद है वो हल्की फुल्की उड़ गई। फॉग भी आ गया, 22 डिग्रीज भी हो गया, क्या बात है, मजा आ भी गया। ये होता है वैंडी टेम्परेचर। मेरे आईफोन की बैटरी जो है बहुत ज़्यादा लो है, एज यू कैन सी इट इज 6%। तो मेरा जो केबल है वो ये वाला जो ठीक से काम नहीं कर रहा था, शोभित मेरे को आईफोन का केबल दे रहा है। और फॉग देखो भाई, ये जगह मुझे पटनीटॉप की याद दिला रहा है शानस, फुल पटनीटॉप है ये। और जीशान अपने लद्दाख जाते हैं, लद्दाख तो पटनी टॉप आता है जम्मू से, पटनी टॉप करके जगह आती है, ये सेम पटनी टॉप लग रहा है। राइट साइड में जो मेरे व्यू है ना, मैं आपको शायद में खड़े रह रहा हूँ। ये देखो भाई, गोप्रो जस्टिस बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब ऐसा लग रहा है हम क्लाउड्स के ऊपर चल रहे हैं, मतलब इतना खूबसूरत व्यू है। शिमला के लिए लेफ्ट है पर हम लोग को जाना है राइट। व्हाट अ क्यूट मार्केट है, थोड़ा बहुत मुझे गैंगटॉक की याद दिला रहा है, प्रॉब्ली हिल स्टेशन ऐसे ही होते हैं। क्यों मस्त यहाँ पर बैठो शाम को यार, गप्पे मारो, व्यूज़ देखो यार। आई थिंक ये दोपहर तक थोड़ा गर्म हो जाता होगा। ओहो कितनी क्यूट पटरी है देख, वाह। शोभित सो फार सो गुड। शोभित का जो ये पंप है ना, पंप टाइट हो चुका है पूरा भाई, गिर मत जाना, मस्त कंटेंट मिलेगा। देखो ये ऐसे वाटर प्रूफिंग होती है बाइक की, गेट द ओरिजिनल पैनियर्स। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। कैसा लगा राइड करके निशान, पूरा घाट रास्ता खूबसूरत रास्ता ना भाई, बहुत मजा आया, मतलब इट वाज अमेजिंग। अगर नींद मिली होती और पेट में खाना होता ना तो और अच्छा होता। लास्ट 29 किलोमीटर का जो रोड था वो भारी पड़ा थोड़ा, लेकिन खूबसूरत था लेकिन भारी पड़ा बॉस। व्यू क्या था यार, वी वुड एंजॉय इट, नॉट स्लीपी और पेट में खाना। उसको जिप खोलने चले गया था, वो बंदर चढ़ा जिप खोलने चले गया था, जिप खुल लेता। अभी शोभित गया रूम देखने के, रूम थोड़ा उधर है तो बाइक लेके गया है। रूम अच्छे ही हैं लेकिन प्रॉपर एक बार फाइनल देख लेते हैं सब बराबर है कि नहीं, बिकॉज अभी हम यहाँ आराम करेंगे, सोना है, खाना है, तो इस चीज़ के लिए वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट और होटल्स हम लोग रस्ते में दिखे थे, मन बीच में किया था रुक जाते हैं वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन ले लिया। अभी सीन ये है कि हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके रूम में जा सकते हैं, बिकॉज रूम थोड़ा नीचे है, तो बाय द टाइम द ब्रेकफास्ट विल कम टू द रूम, ब्रेकफास्ट जो है ठंडा हो जाएगा। तो हम डिसाइड किया कि ये जो पैलेस है, ये शाही पैलेस में हम शाही तरीके से ब्रेकफास्ट करेंगे। बुलाएंगे आज अकेले और रात पर डराऊंगा मैं भाई। देखो डर को जीतना है तो डर को सामना करना पड़ता है भाई। अभी ये खाने के बाद नहाने में जो मज़ा आएगा, और नहाना अगर हो जाएगा बिकॉज इतना जब अच्छा खाना
ब्रेकफास्ट पेट में जाएगा तो फुल जो सुस्ती और नींद है वो बाहर आएगी। और खाना खाते खाते हम कर रहे हैं अपना GoPro का 360 वीडियो एडिट जो कि आप लोगों ने देख लिया। अभी खा के मिलते हैं ऑमलेट स्क्रैम्बल्ड एग एवरीथिंग। गाइस देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन। आई एम प्रीटी श्योर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, नहीं हो तो बाकी का वीडियो चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ तक देखने के बाद लाइक करना अनिवार्य है। तो विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट ऑल लवली फ्रेंड्स। निशान भाई कुछ बोल रहे थे रूम में जाके एंड करो, रूम अपन अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। इतना सारा मम्मी 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 तो आराम से खड़े हो जाएगा गलत। गुदगुली होती है क्या? बहुत दिखता है।